नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल। आज के अपने स्टॉक की बात करें तो वो है अदानी टोटल गैस लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो आप देखेंगे यह शेयर आज क्लोज हुआ है 1092.55 रुपये पे, लगभग 10% की तेजी के साथ। देख लेते हैं डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 90.40 रुपये का ये शेयर हुआ करता था, जो कि 13 अप्रैल 2020 को इसने अपना लो बनाया था। 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं तो 1249.95 रुपये का है, यानी लगभग 1250 रुपये का। अगर 6 अप्रैल 2021 को अपना हाई बनाया था, उसके बाद इस शेयर में लगातार गिरावट आ रही थी और ये शेयर आप देख सकते हैं 1092.95 के आसपास पहुंच चुका है। अगर वहीं बात करें इनके डिलीवरी की तो 38% की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो 13,76,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। अगर रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं 993% का रिटर्न यह कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है एक साल के अंदर, यानी कमाल की बात है। अगर वहीं बात करें एक महीने की तो आप देखेंगे 38% से ज़्यादा का रिटर्न यह कंपनी ऑलरेडी दे चुका है। देख लेते हैं और डिटेल क्या कहता है। दोस्तों, अगर पीई की बात करें तो पीई के अकॉर्डिंग ये शेयर आप देख सकते हैं 250 तक पहुंच चुका है, जबकि सेक्टर पी की बात करें तो सिर्फ 18 का है। दोनों का कंपेयर करें तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ये शेयर भाग चुका है। देखते हैं और डिटेल क्या कहता है। दोस्तों, अगर चार्ट की बात करें तो आप देख लेते हैं ये शेयर अभी पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रहा था, यानी कि ये शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर रहा था, लेकिन आज इस शेयर में बाउंस बैक जो देखने को मिला वो काफ़ी अच्छा था। तो देख लेते हैं डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, अगर आज के इसमें ओपनिंग की बात करें तो ये शेयर 991 रुपये पे ओपन हुआ था, जबकि इसने हाई बनाया था 1092.55 रुपये जो कि इसकी क्लोजिंग भी थी। लो की बात करें तो 991 रुपये का इनका लो था, यानी कि जहाँ पे ओपन हुआ था वही इसका लो भी था। क्लोज की बात करें तो जो इसका हाई था वहीं पे ये शेयर क्लोज हुआ है, यानी कि इसने जो कैंडल बनाया वो पूरी तरीके से बुलिश है, और जैसे बुलिश कैंडल बनाए इसका मतलब ये शेयर फिर से तेजी पकड़ेगा। तो पहला टारगेट क्या हो सकता है, 1211 रुपये का पहला टारगेट बनेगा, और जैसे ही यह टारगेट टूटेगा मुझे लगता है कि अगर एक इस टारगेट के टूटने के बाद 2-3 हफ्तों में आपको 1500 तक का टारगेट देखने को आसानी से मिल जाएगा। यानी 1500 तक का टारगेट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस शेयर के लिए, और जैसे ही यह लेवल टूटता है उसके बाद आप सोच सकते हैं 1500 का अगर लेवल टूट गया इस शेयर में तो फिर आपको 2000 तक का भी टारगेट देखने को मिल जाएगा 1 से 2 महीनों के अंदर। शेयर काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। अगर वहीं बात करें कि अगर इसमें फिर से गिरावट आई तो क्या लेवल होगा, 990 रुपये का इनका सपोर्ट है। 990 रुपये के नीचे शेयर नहीं जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे 2 से 3 बार अटैम्प्ट कर चुका है उस लेवल को, और आज भी इसमें उसी लेवल के पास से फिर से बाउंस बैक भी किया है, और इससे पहले भी आप देख सकते हैं 2-3 बार ये शेयर उस टारगेट को अटैम्प्ट करके वहाँ से बाउंस बैक कर चुका है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों, इससे पहले जो ब्रेकआउट आया था वहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही लेवल टूटा था, उसके बाद इस शेयर में अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन अगर उसके नीचे जाता है तो क्या कर सकते हैं, 966 रुपये। हालांकि ये लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर देखने को मिलता है तो जरूर खरीदारी करें। ये शेयर जितना ज़्यादा नीचे जाए उतनी खरीदारी की जा सकती है। शेयर बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, पूरा फायदा मिलेगा। जितने ज़्यादा टाइम आप इस शेयर को देंगे उतना ज़्यादा आपके पैसे को ये ऊपर ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।